हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोग साथ रेस्टोरेंट स्टाइल बेक्ड गोभी की रेसिपी को लेकर हाजिर हूँ। इसको मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपके साथ शेयर किया, टेस्ट में लाजवाब है और बनाना उतना ही सिंपल है। और इसको बनाने के लिए जो सामग्री लगती है वो आपके किचन में बहुत आसानी से मिल जाती है। तो चलिए रेस्टोरेंट स्टाइल बेक्ड गोभी बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लेना है ताज़े फूल गोभी। तो ताज़े फूल गोभी लीजिए, एक पानी अच्छी तरीके से वॉश कर लीजिए। उसके बाद करना क्या, नाइफ लेना है और गोभी का जो डंठल है वो पूरी तरीके से हटा देना है। नाइफ की सहायता से इसके सारे डंठल को हटा दीजिए। तो मैं तो डंठल को जरा भी फेंकती नहीं हूँ, या तो मैं इसकी सब्जी बना लेती हूँ या तो इसके अचार लगा लेती हूँ। आप इस डंठल का क्या यूज करते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे इसके जो हार्ड स्टेम है वो कट करके हटा दिए हैं। एवरीवन, मैं हूँ अर्चना। अगर आप मेरी वीडियो को वॉच करते हैं, रेसिपी पसंद आती है तो लाइक का बटन जरूर प्रेस किया कीजिए। आपकी छोटी सी लाइक मुझे बहुत सारा मोटिवेट करती है, और लाइक शेयर फीडबैक देना एकदम मत भूलिए क्योंकि मुझे आपके कमेंट का बहुत वेट होता है। थैंक यू। इसी बीच एक बड़े से बर्तन में इनफ पानी देके मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी जब हल्का उबलना स्टार्ट करेगा तो उसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, और ये जो फूल गोभी आपको इसमें डाल देना है। अब आपको इनको अलटते पलटते हुए 6 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे बॉयल कर देना है, जैसे कि गोभी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाए। मैं आपको अपने किचन विंडो से दिखाती हूँ बाहर कितना सुहाना मौसम हुआ पड़ा है, बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है यहाँ पे। तो चलिए गोभी के लिए मैरिनेशन स्टार्ट कर देते हैं। तो मैंने बड़ा वाला बर्तन लिया है, इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच फ्रेश दही। तो खट्टी दही का यूज जरा भी मत कीजिएगा, हल्की खट्टी चल सकती है मगर पूरी खट्टी दही नहीं चलेगी। अब इसमें जाएगा 1 से 1.5 चम्मच भुना हुआ बेसन, यानी कि रोस्टेड बेसन। तो बेसन को हल्का सा पहले रोस्ट कर लीजिए, कच्चा बेसन का यूज जरा भी मत कीजिएगा। अब सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, यानी दही और बेसन को चम्मच की सहायता से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। दही और बेसन को मैंने बहुत अच्छी तरीके से फेंट लिया, इसका एक स्मूथ पेस्ट आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद मैंने इसमें डाला हल्दी का पाउडर, डाला लाल मिर्ची का पाउडर, तो मिर्ची कम या ज़्यादा टोटली आपकी चॉइस है। मैंने इसमें डाला जीरा पाउडर, होममेड गरम मसाला पाउडर, आप चाहें तो रेडीमेड गरम मसाला का भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसमें डाला कुटी हुई काली मिर्च, 1 छोटा चम्मच मैंने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, और 2 चम्मच मैंने डाला मेल्टेड बटर, आप चाहें तो कुकिंग ऑयल का भी यूज कर सकते हैं मगर बटर का फ्लेवर बहुत ही अच्छा इसमें लगता है। अब जाएगा इसमें नमक आपके स्वाद अनुसार। मैंने इसमें डाला कसूरी मेथी और 1 नींबू का रस। अगर आप सावन में अदरक लहसुन का पेस्ट नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं, या तो आप चाहें सिर्फ अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हैं। अब सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेना है और एक सार कर लेना है। मैरिनेशन के मसाले से आप पनीर टिक्का भी बना सकते हैं। इस मैरिनेशन के मसाले में आप पनीर के क्यूब्स, शिमला मिर्च के पेटल्स और प्याज के पेटल्स ऐड करें और 1 घंटे के लिए छोड़ दें। सेम प्रोसेस रहेगा, उसके बाद आप इनको ग्रिल कर लें। तो यहाँ 6 से 7 मिनट मैंने गोभी को बॉयल कर लिया, उसके बाद आपको इनको ठंडा होने के लिए कुछ देर के लिए रख देना है। गर्म गोभी के ऊपर मसाला लगाएंगे तो हाथों के जलने का डर होगा, जब हाथ से टच करने लायक गोभी हो जाए तो ही आप उसके ऊपर मसाला अप्लाई करें। तो यहाँ जो गोभी हल्की ठंडी हो चुकी है, आप हाथ से आराम से टच कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, गोभी के ऊपर मसालों की बहुत अच्छे से कोटिंग कर देनी, ताकि गोभी मसालों के साथ बहुत अच्छे से कोट हो जाए, यानी मसालों की एक अच्छी सी लेयर आ जाए। ऊपरी साइड तो बहुत आसानी से आप मसालों को लगा लेते हैं, पीछे साइड से करना क्या है, हाथों की सहायता से अंदर तक मसालों को स्टफ कर देना है, जिससे कि मसाले गोभी के अंदर तक चले जाएं। इस तरीके से आपको गोभी को बहुत अच्छी तरीके से मसालों के साथ कोट कर लेना। मुझे तो ये करने में बड़ा मजा आता है, अभी ये देख के मुंह में पानी आ रहा है, बड़ा टेम्पटिंग सा लग रहा है ना। तब आप इन्हें कवर करके 2 घंटे के लिए रख दीजिए, ताकि गोभी बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो जाए, उसमें मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छी तरीके से आ जाए। तो तकरीबन दो घंटे हो चुके हैं, गोभी बहुत अच्छी तरीके से मैरिनेट हो चुका है। अगर आपके पास कम समय है तो आप 1 आवर के लिए भी गोभी को मैरिनेट कर सकते हैं। मैंने बेस्ट रिजल्ट के लिए 2 घंटे रखा था। यह मैंने एक बेकिंग ट्रे, उसके ऊपर थोड़ा सा अप्लाई करेंगे मेल्टेड बटर या कुकिंग ऑयल, वो भी रखिए, उसके ऊपर फिर से डालिए थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, ताकि जब आप इसको बेक करें तो गोभी बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो जाए या जल ना जाए। इसी बीच मैंने माइक्रोवेव को कन्वेंशन मोड पे 180 डिग्री सेल्सियस पे प्री हीट होने के लिए रख दिया था। यहाँ पे मैंने जो टाइमर लगाया हुआ है 30 मिनट का लगाया, वैसे जो गोभी है 20 से 25 मिनट में बहुत अच्छी तरीके से बेक हो जाती है। अगर आपने 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट किया है तब तो ये 15 मिनट में बहुत आराम से बेक हो जाती है। तो 20 मिनट बाद मैंने इसको ओवन से बाहर निकाले, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से बेक हो चुका था, बहुत प्यारा कलर आया हुआ था। और ये देखिए हमारी बेक्ड गोभी बन के तैयार है। आपको रेसिपी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद है लाइक करिए, शेयर करिए और फीडबैक देना एकदम मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अर्चना।